तो ये हमारे पास ये सिग्नल वेव है ठीक है ये हमारे पास सिग्नल वेव है ये कैरियर है ये दोनों को यहाँ भी मिक्सअप करते हैं ठीक है ये दोनों को मिक्सअप करेंगे मगर यहाँ पर जो है कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अब देखो आपको पता होगा हम जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं अगर मान लो मेरे पास एक ये सिग्नल ये है और एक सिग्नल ये है ये दोनों में इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी कम फ्रीक्वेंसी है है ना अगर जैसे नंबर वन वेव है या नंबर टू वेव है तो वन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है टू की फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पर हम क्या देखते हैं ये केस में आप देखो यहाँ पे करोगे मैं रेड से बनाता है, है तो कैरियर देखो यहाँ पे एक साथ जमा हो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ठीक है अब मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ यहाँ पर देखो ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो गया तो यहाँ पे सिग्नल फैल गया है ना तो देखो रेड मार्क और ग्रीन मार्क में यहाँ पे फर्क ये आपको दिखेगा कि यहाँ पर रेड मार्क में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई ये क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो सिग्नल है हमारा जो मेन जो हमको भेजना है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी इसका एम्पलीट्यूड कम हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई ठीक है इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन बोलते हैं है ना तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन बोलने का क्या रीजन ये है कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं Uh, जो भी हमारे पास कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं इसलिए इसको हम एफ बोलते हैं ठीक है अब देखो ये जो एफ के जो एलोकेशन है बैंड एलोकेशन आप अगर लास्ट सेक्चर में स्टडी किए थे इफ यू दिस हमने ये जो किए थे ना ए में किए थे यू कैन इवन मेक द दिजन अब देखो ए का जो बैंड है ना 530 थर्टी किलो हर्ट से लेके 1700 थाउजेंड सेलो हर्ट तक जाता है और यही अगर हम एफ में देखेंगे तो वो 88 एट मेगा हर्ट से लेके 108 नॉट एट मेगा हर्ट तक जाता है ठीक है ना तो ये, 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 ये फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करेंगे और एफ एम जो चैनल हैं वो ये फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे ठीक है तो इसके अंदर क्या है एफ और ए में फर्क यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ए के अंदर वो उसके पहले जो हमने देखा था उसमें जो बैंडवेट मिलती है वो टेन किलो हर्ट्स की मिलती है टेन किलो हर्ट की ठीक है और FM में जो है ये जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल अवेलेबल होती है दो सौ किलो हर्ट की है जिसकी वजह से क्या होता है दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा बताओ एम अच्छा है कि एफ अच्छा है इसके अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों में दोनों से अच्छा कौन सा है किस में अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमको साउंड की एफएम एफएम में अच्छी FM. मिलेगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंस इसकी बैंड बहुत ज्यादा है है ना इसलिए देखो जितने हमारे पे एफएम एम चलते हैं चैनल्स वो सब रेडियो एफएम जो भी जितने भी हमारे पास एफएम चैनल्स चलते हैं उसकी क्वालिटी काफी मतलब उसमें काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है ठीक है अब देखो फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ से होता है एटी एट से लेके वन नॉट इसलिए हमारे जो सिटी में जितने भी चैनल्स है, है ना वन 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 क्या जो भी जितने भी चैनल है आप देखो ये जाना उसका नंबर नाइन वन पॉइंट फाइव नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स जो भी नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी बताते कि हमारी फ्रीक्वेंसी है ठीक है अब जैसे किसी को एफ एम रेडियो ब्रॉडकास्ट चैनल अगर से स्टार्ट करना है तो उसे ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड गवर्नमेंट से खरीदना पड़ेगा उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा ठीक है तो जैसे मान लो रेडियो स्टेशन वन को ये दे दिए ठीक है ना ये ये कोई फ्रीक्वेंसी दे दिए तो उसके आसपास जो यहाँ से लेके हंड्रेड यहाँ से लेके हंड्रेड ले ये किसी को नहीं दिया जाएगा ये पूरा इसका एरिया हो जाएगा फिर ये केस में किसी को नहीं दिया जाएगा फिर दूसरे किसी को यहाँ से दूसरी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी ठीक है ना इसलिए जितने भी रेडियो चैनल सबकी फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग है सबकी अगर एक फ्रीक्वेंसी बैंड होती तो फिर हम अगर अगर अपना रेडियो टर्न इन करते तो सब एक साथ आता है हमें सबको समझ में नहीं आता इसलिए देखो हर रेडियो की फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग होती है ओके तो ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है तो ये तो एफ एम है देन सेम वे वी हैव पी एम पी एम का मतलब है फेज मॉड्यूलेशन ठीक है तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा ठीक है? तो ये जो हमारे जो हमारे भेज, पास हम हम भेजना चाहते हैं, उसको हम कैरियर के साथ मिक्स करेंगे इस तरह से कि वो कैरियर का फेज चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ठीक है तो ये हम अब अगर कंपेयर करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट एफएम की तरह ही मिल रहा है हमें ये जो आउटपुट है ना हमें

यूटिलाइजेशन में दो टॉपिक है सब टॉपिक्स मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्रेड स्प्रेड स्पेक्ट्रम ठीक है स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग ठीक है तो ये दो टेक्निक यूज की जाती है कम्युनिकेशन में ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग लास्ट ईयर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग स्टडी किए थे तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मेनी इन वन है ना बहुत सारे इनपुट एक आउटपुट और डी मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है एक इनपुट उटपुट और मल्टीप्लेक्सिंग तो यूज की जाती है एक तो फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको बोलतेम दूसरा वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको हम बोलते डब्ल्यू डी एम और तीसरा टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको बोलते हैं टी डी एम ये तीन टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज की जाती है जिसमें ये दो जो है वो एनोलॉग कम्युनिकेशन के लिए काम आती है और ये लास्ट वाली जो है डिजिटल कम्युनिकेशन में काम आती है अब आपको एक आइडिया देना है मुझे कि ये मल्टीप्लेक्सिंग क्यों की जाती है अगर मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा तो मैं आपको एक सिंपल मतलब एक एग्जाम्पल के लिए तौर पर बताता हूँ सपोज हमारे पास एक सिटी है सिटी ए ठीक है या सपोज अपना सिटी बॉम्बे समझ लो ठीक है सिटी ये बॉम्बे यहाँ पर है ठीक है और यहाँ पर हमारे पास न्यू दिल्ली है ठीक है अब इसके बीच में सपोज हमारे पास एक रेलवे लाइन है ठीक है सपोज एक लेट एक सिंगल रेलवे लाइन है दोनों के बीच में ठीक है और ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर का डिस्टेंस ये दोनों के बीच में है ठीक है नाउ अगर सपोज हम ऐसा करेंगे कि एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ठीक है ना अगर मान लो एक, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो दिल्ली की तरफ जा रही है ठीक है तो हम दिल्ली में वो स्टेशन मैनेजर को स्टेशन मास्टर को बोलेंगे अगर ट्रेन पहुंच जाए तो हमको फोन कर देना हम दूसरी ट्रेन भी भेजेंगे ठीक है ना फिर दूसरी ट्रेन पहुंचेगी उसके बाद तीसरी ट्रेन भेजेंगे ठीक है फिर फिर तीसरी पहुंचेगी चौथी भेजेंगे तो ये करना सही है क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरे ट्रैक में सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है एक से ज्यादा नहीं चल रही है तो ऐसा करना सही है यहाँ पर तो क्या करना चाहिए हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा ट्रेन एक साथ देखो ये जो है ना ये ट्रैक की कैपेसिटी इतनी है अब ये ट्रेन का ये ट्रेन की साइज कितनी होगी कि हार्डली मतलब कुछ मीटर्स की होगी है ना कुछ कुछ हंड्रेड मीटर्स की होगी एक किलोमीटर लंबी ट्रेन भी तो होती नहीं है, है ना यानी हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटी है ये एक साथ सौ दो सौ ट्रेन भी यहाँ पे चलेगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम क्या करेंगे सिग्नलिंग सिस्टम लगा देंगे कि भाई एक ट्रेन जब चलेगी एक दस किलोमीटर अगर क्रॉस करेगी दूसरे को हम जाने के दे सकते हैं दूसरे के बाद तीसरे को दस किलोमीटर का डिस्टेंस तो हम ये 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 ट्रैक की कैपेसिटी जो है ना दो सौ ट्रेन भी संभाल सकता है विदाउट एनी एक्सीडेंट्स तो अगर मान लो ये केस में अगर हम सिर्फ एक ही ट्रेन अगर भेजेंगे इसमें कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा तो ये बेवकूफी होगी हमारी अगर हम ऐसा करेंगे तो ठीक है ना ये अब ये चीज आप कम्युनिकेशन में आ जाओ कम्युनिकेशन में क्या होता है हमारे पास एक चैनल है ठीक है ये जैसे मान लो हमारे पास एक हमारे पास एक लिंक है ठीक है ना ये लिंक की कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है ठीक है ना अभी अगर मान लो ये लिंक की बैंडविड काफी ज्यादा है लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ये जो लिंक है ठीक है ना ये लिंक की जो कैपेसिटी ये लिंक का सपोज बैंडविड जो है सपोज 10 मेगाहर्ट्ज का है ठीक है लेट अस अज्यूम 10 मेगाहर्ट्ज का है ठीक है 10 मेगाहर्ट्ज का है या हम बोलेंगे 10 10 रेस टू 6 हर्ट्ज का है ठीक है अब अगर सपोज इसके अंदर ये हम सिर्फ एक ही मतलब मतलब यह पर टेलीफोन बात कर रहा है तो हम एक, मतलब अगर वायर तो एक ही है, देखो वायर एक ही है मगर उसकी जो बेनविट है वो टेन इंटू टेन एस टू सिक्स की बेनविट है ठीक है तो अगर एक ही जन बात कर रहा है एक वक्त में तो उसको हार्डली थ्री किलो हर्ड्स की बेनिविट लगेगी मतलब थ्री इंटू टेन एस टू थ्री हर्ट्स की बेनिफिट लगेगी अब अगर मान लो हम ऐसा करते हैं कि जब ये किसी से बात कर रहा है यहाँ पर तो दूसरे किसी को बात करने नहीं दिया जाएगा तो ये जो है ना ये बैंडविट का गलत इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो बैंडविट अवेलेबल है वो है टेन इंटू टेन रेस टू सिक्स और हमको जरूरत है टेन रेस टू थ्री की करीब करीब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उसको हम कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा टेन रेस टू ये थ्री फोर मतलब टेन रेस टू फोर दस हजार लोग एक साथ बात करेंगे ना

जिससे हमारे पास जो अवेलेबल बैंडविड है उसका अच्छा इस्तेमाल होगा एक से ज्यादा लोग उसे मतलब कई उसे यूज कर पाएंगे ठीक है तो ये है मतलब मल्टीप्लेक्सिंग इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग तो हमारे पास क्या होगा ये इनपुट चैनल में बहुत सारे इनपुट्स रहेंगे ठीक है इनपुट बहुत सारे तो उसको हम एक साथ कंबाइन करेंगे और कोई टेक्निक यूज कोई मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करके यहाँ भेजा जाएगा इससे और यहाँ पर जो है सब अलग अलग जगह चले जाएंगे ठीक है ना तो इससे क्या होगा ये पर्टिकुलर लिंक बहुत सारे कम्युनिकेशन एक वक्त में एक साथ कैरी कर पाएगा अंडरस्टूड समझ में मल्टीप्लेक्सिंग का फायदा क्या है yes, हेलो हाँ, अब देखो सबसे पहला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको हम एफडीएम बोलते हैं <coughs> तो एफडीएम क्या है एफडीएम इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट कंबाइंस एनालॉग सिग्नल्स ठीक है तो एफडीएम एनलॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो एनलॉग सिग्नल कंबाइन करती है अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट लाइन बहुत सारी है ठीक है ना और हमारे पास एक ही लिंक है ठीक है ना? अब वो लिंक की जो बैंडविड्थ है काफी ज्यादा है ठीक है ना अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो ये बताया था है ना आ, ये एफएम चैनल है ना एफएम चैनल में क्या हो रहा है हमारे पास जो एफएम जो पूरा जो बैंड है एफएम का बैंड जो है 188 एटी से लेके 108 नॉट चल रहा है, है ना

कि एक फ्रीक्वेंसी किसी को दे देंगे उसमें से ठीक है ना जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से डायग्राम तो यहाँ पे दिया हुआ देखो एफ डी एम का डायग्राम हम बोल सकते हैं कि FDM का डायग्राम के जैसे बचा सकते हैं अब देखो यहाँ पे कैसा है ये हमारे पास पूरा का पूरा बैंडविड्थ है ये ये पूरा बैंडविड्थ अवेलेबल इतना लंबा इतना तो कोई यूज भी नहीं करेगा इतना किसकी जरूरत भी नहीं है कोई इतना सा यूज नहीं करेगा उसको हार्डली दो सौ किलो चाहिए दो सौ किलो हर्ट्ज की जरूरत है ठीक है और अवेलेबल है हमारे पास बीस मेगा हर्ड्स ठीक है ना तो हम क्या करेंगे इसको बहुत सारे स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे कि ये फ्रीक्वेंसी हमने इसको किसी और किसी को दिया ये फ्रीक्वेंसी किसी और को दिया ये बैंड किसी और को दिया तो ऐसे हम हजारों चैनल्स को ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड दे सकते हैं गेटिंग माई पॉइंट एवरी तो इससे फायदा क्या होगा ये इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो जैसे ना हमारे पास देखा ना अपने वो लगेज है ना गुड्स 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 गुड, गुड, स्ट्रेंग, गुड, स्ट्रेंग, गुड स्ट्रेंग, है ना गुड्स ट्रेन के अंदर बहुत सारे बोगीज होते हैं बहुत सारे बोगीज होते हैं तो ऐसा हो जाएगा अगर मान लो हम इसको एक को दे तो ये पूरा भरा बाकी पूरा सब बोगीस खाली है तो ये तो पूरा वेस्टेज हो जाएगा है ना तो हम क्या करेंगे दूसरे किसी को भी उसको अलॉट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने से क्या होगा कि अवेलेबल बैंडविट है वो जो भी जितने चैनल सबके अंदर डिवाइड होता रहेगा ठीक है इसका फायदा यहाँ पर यह होगा कि जो बैंडविट है उसका अच्छा इस्तेमाल होगा और वो जो बचा हुआ किसी और के भी काम आ सकता है जो बैंड बचेगा जो भी मतलब uh, हमारे पास बचेगा फ्रीक्वेंसी बैंड वो हम किसी और के भी यूज में ला सकते हैं ठीक है तो एफ में क्या है हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो एक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल इज अवेलेबल ऑलवेज ठीक है ठीक है एक पार्ट अवेलेबल है स्पेक्ट्रम का मगर हमेशा अवेलेबल है ये बात ध्यान में रखना ठीक है नाउ नेक्स्ट ये तो मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है पर हमारे पास जो है ये तीन अलग अलग टाइप के सिग्नल है ठीक है ना ये तीनों के तीनों वॉइस है है ठीक ना जैसे तीन रेडियो है, सब वॉइस ही ट्रांसमिट करेंगे मगर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है इसका फ्रीक्वेंसी एफ वन है इसकी एफ टू है इसकी एफ थ्री अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी पे इसको हम मॉड्युलेट करेंगे और कंबाइन करके ये हम एक सिग्नल बन जाएगा ठीक है और उसे भेजा जाएगा और रिसीविंग साइड पे क्या होगा हम जो है ये पर्टिकुलर सिग्नल को फिल्टर के थ्रू है ना यहाँ पे कैसा फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेंगे तो हमने अगर यहाँ पे एफ को फिल्टर किया तो एफ जाएगा बाकी एफ टू रिजेक्ट हो जाएगा ये फिल्टर क्या करेगा जैसे पानी का फिल्टर होता है पानी का फिल्टर कचरा साफ करता है वैसे ये फिल्टर क्या करेगा जैसे अगर हमने इसको सेट किया एफ टू पर तो ये F2 को पास करेगा बाकी सबको रिजेक्ट करेगा और ये F3 को पास करेगा बाकी सबको रिजेक्ट करेगा जैसे हमारे पास होता है ना कोई रेडियो हमारे पास है एफ रेडियो तो हम उसको एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं

अब तक देखो हमने क्या देखा था कि सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं है ना हम जो करंट पास जैसे हमारे पास वायर है या फिर एयर है तो वो केस में द द इलेक्ट सिग्नल इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है ना जैसे वायर है तो वायर में करंट पास होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है ठीक है बट हमारे पास ये कॉपर वायर के अलावा ऑप्टिकल फाइबर भी ऑप्टिक फाइबर वायर भी होता है फाइबर जिसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल होता है वो केबल ऑप्टिक फाइबर केबल उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते, उसमें हम signal, signal कर, जिसको कर सकते हैं तो ये जो है, वो में काम आता है, जिसमें हम ऑप्टिकल सिग्नल सेंड करते हैं ठीक है अब यहाँ पर कैसा है हमारे पास तीन अलग अलग वेवलेंथ है मतलब तीन अलग अलग सिग्नल्स हैं ठीक है थेके? इसको मल्टीप्लेक्स किया जाएगा और ये मल्टीप्लेक्स होने के बाद यहाँ पर आके डी मल्टीप्लेक्स हो जाएगा अलग अलग चला जाएगा ठीक है अब देखो ये एफ टेक्निक के अंदर आ, जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है 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 ना ना प्रिज्म पता आपको प्रिज्म क्या है? जब कोई लाइट इससे जाती है तो seven, है तो तो वो वो सेवन या जितने भी कलर्स लाइट में सब प्रोड्यूस करता यहाँ पर क्या कर इनपुट में हम कलर को मिक्स कर रहे हैं ठीक है ना यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पर आकर ये अलग अलग कलर्स मतलब अलग अलग वेवलेंथ डिवाइड हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर जो ये ये जो केबल है ये ऑप्टिक फाइबर केबल हमारे पास है ठीक है जो ऑप्टिकल सिग्नल्स यानी लाइट सिग्नल्स में इन्फॉर्मेशन को मतलब पास करेगा ठीक uh, है इन्फॉर्मेशन पास इन फॉर्मेट ऑप्टिकल फॉर्म ठीक है जैसे मैंने बताया आपको कि ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं बहुत सारे लो रेट को एक हाई रेट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है थेके? अब देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे ध्यान से सुनो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है ना ये चार सेंडर है और सपोज यहाँ पे चार रिसीवर है ठीक तो है, है तो ये जो बैंडविट ये हमारे पास बैंडवेट अवेलेबल है ठीक है ये बैंडवेट अवेलेबल है तो ये केस में क्या होगा कि पहले वन को चांस दिया जाएगा सेंड करने के लिए पूरा उसको दे दिया जाएगा भाई तुम वो सेंड करो तो ये वन ने सेंड किया ठीक है पूरा बैंडवेट अवेलेबल है मगर एक वक्त के लिए उसके बाद टू को चांस दिया जाएगा करने के तो सेंड करने की तो टू सेंड करेगा उसके बाद थ्री सेंड करेगा उसके बाद फोर सेंट करेगा इस तरह से ये चलता रहेगा सबको एक एक बारी मिलती मतलब रहेगी एफ करेंगे एम में कैसा था कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम एफ का देखेंगे तो जस्ट कंपेयर मुझे करना चाहता हूँ ये डायग्राम को तो डायग्राम देर ये कॉपी कर लेता हूँ मैं तो दोनों को सामने कंपेयर करना आसान होगा हमारे लिए तो दिस इज वॉट वी हैव अब देखो ये दोनों में फर्क समझ सकते हो आप लोग पर एफ पर एम में क्या हो रहा है कि पूरी बैनविट अवेलेबल नहीं है थोड़ी सी अवेलेबल है मगर हमेशा के लिए अवेलेबल है टाइम डिविजल मल्टीप्लेक्सिंग में पूरी अवेलेबल है मगर थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है कैन यू आउट द डिफरेंस यस ये एफ है हमारे पास ये जो एफ है और ऊपर वाला टी है ठीक है ना यानी एग्जांपल कैसा है जैसे मान लो हमारे कॉलेज में एक लैब है ठीक है ना जैसे कंप्यूटर लैब है ठीक है वो कंप्यूटर लैब में जो है तो अगर हम इसको एफ के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एफ के मुताबिक तो हम क्या करते 20 जो है ना 20 पीसी एफ वाले यूज करेंगे हमेशा जब मंगता तब यूज कर सकते हो आप लोग लैब में आके और दूसरे 20 जो है एस वाले यूज करेंगे तीसरे जो है उसको डि अलग अलग चैनल अलग अलग क्लास में ओके अब यही चीज अगर टीडीएम में होती तो टीडीएम में क्या भाई सिक्सटी पीसीज है हमारे पास तो दस से ग्यारह बजे का हमने टाइम पहले दो घंटे पहले टू आवर्स जो है एफ आई यूज करेगा पूरा लैब यूज करेगा उसके बाद टू आवर्स नेक्स्ट टू आवर्स एस यूज़ करेगा उसके बाद यूज़ करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा अवेलेबल 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 है 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 मगर मगर थोड़ी देर के लिए या थोड़ा वे 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 मगर हमेशा के लिए लिए या थोड़ा हमेशा डिफरेंस यहाँ पर कैसे मतलब ये अलग अलग है मल्टीप्लेक्सिंग okay? uh, हमारे पास दो टाइप के टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स देख सकते हैं हम लोग एक है सिंक्रोनस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग एक है स्टैटिस्टिकल टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ठीक है तो ये डायग्राम जो ऊपर वाला है वो सिंक्रोनस टीडीएम का है और दूसरा वाला स्टैटिस्टिकल टीडीएम है सिंक्रोनस और स्टैटिस्टिकल में फर्क क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो इन केस ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम यहाँ पर क्या है कि जैसे ए बी सी डी और ई e, ये पांच हमारे पास सेंडर है तो पांचों सेंडर को चांस दिया जाएगा सेंड करने के लिए जैसे देखो ये, ये डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए ने सेंड किया बी ने सेंड किया सी को सेंड नहीं करना सी ने ब्लैंक तो इसका जो है ना ये ये केस कुछ भी सेंड नहीं किया गया ये ये तो ब्लैंक चला गया गया वेस्ट हो डी ने सेंड किया ई e को कुछ भी सेंड नहीं करना ई e खामोश रहा तो इतना ब्लॉक वेस्ट हो गया ठीक है बाद में नया फ्रेम स्टार्ट हुआ नए फ्रेम में फिर से जिसको भेजना है भेजेगा तो ए ने नहीं भेजा तो ए का वेस्ट हो गया बी को भेजना था बी ने भेजा सी को नहीं भेजना सी का वेस्ट डी का जाएगा ई e का जाएगा जिसने भेजा उसका तो सिंक्रोनस टीडीएम में हम ये देखते हैं कि अगर किसी चैनल को नहीं भेजना है उसका उस डेटा नहीं सेंड करने के लिए तो उसका ब्लॉक है ना एम हो जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा तो स्टेटिस्टिकल में ऐसा नहीं होता आप देखो स्टेटिस्टिकल में कैसा हो रहा है कि ए को भेजना था ए ने भेजा बी ने भेजा सी को नहीं भेजा था उसको छोड़ दिया डी को सीधा ले लिए तो यहाँ पर जो सी का ब्लॉक था वो किसी और को कोई हम उसको दूसरे किसी काम में दूसरे किसी के काम में ला सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो वेस्टेज है ना नहीं होगा यू कैन सी देयर ये ये को यहाँ पे ब्लैक इन ये स्पेस ये वेस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया तो चार स्लॉट हमारे पास वेस्ट हो गए यहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा गेटिंग माय पॉइंट क्लास समझ difference? Synchronous TDM TDM में आया डिफरेंस सिंक्रोनस टीडीएम और स्टैटिस्टिकल टीडीएम में यस यस सर वेरी गुड अच्छा Uh, और एक चीज यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग हमें कुछ कंसेप्ट और क्लियर करने हैं वो है डेटा रेट मैनेजमेंट ठीक है तो uh, ये, ये ये जो डेटा रेट मैनेजमेंट है वो तीन स्ट्रेटेजी पे बन, पे बना हुआ है एक तो मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग दूसरा है मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग तीसरा पल्स स्टफिंग ठीक है तो वॉट आर दिस थिंग्स

वो 160 सिक्सटी के बी पी एस का है और यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग जो चैनल है वो चालीस के बी पी एस के है हमारे पास ठीक है चालीस के पी एस के सिग्नल क्या करना पड़ेगा ये दोनों को कम्बाइन करके और एक बार मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ेगा उसको चालीस का बनाना पड़ेगा इसलिए कि ये वन सिक्सटी का है यहाँ वन सिक्सटी चाहिए हमें ठीक है ना तो ये तीन ये तीन मिला के वन ट्वेंटी है मगर ये दो को हमें क्योंकि यहाँ पे एक ही है यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा ये दोनों को हमें कंबाइन करके चालीस करना पड़ेगा तो यहाँ पे मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग क्यों बोलते हैं मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे दो लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है एक यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हुई और एक लास्ट में यहां पे multi. तो ये सेकेंड लेवल मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है तो दो लेवल है मल्टीप्लेक्सिंग के ताकि हम उस डेटा रेट को रीच कर सके सो दिस इज मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग ओके देन वी ऑल्सो है अब मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन में कैसा होगा जैसे हमारे पास ये जो चैनल है ये जो लिंक है वन ट्वेंटी फाइव के बी पी एस का है हमारे पास यहाँ पे तीन सिग्नल तीन इनपुट्स है जो चैनल है वो ट्वेंटी फाइव केबी पी एस के और एक पचास का है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे पच्चीस पच्चीस में डिवाइड करेंगे ठीक है ताकि ये सब मिलाकर वन ट्वेंटी फाइव हो जाए यहाँ पर एक लाइन नहीं है, हमारे पास पच्चीस वाली मतलब पच्चीस वाली सपोर्ट करेगा इनपुट और पांच है यहाँ पर तो ये पचास को स्प्लिट करना पड़ेगा हमको ठीक है ताकि ये आ, हमें मल्टीपल स्लॉट क्यों हो रहा है क्योंकि पहले से यहाँ पे स्लॉट ये स्लॉट को हमने और 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 एक स्लॉट बना के दे दिया यहाँ पर ठीक है तो ये मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन पर हमको दिख रहा है अच्छा और एक चीज है पल्स पल्स स्टफिंग सी स्टफिंग का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 150 Kbps को हमें चाहिए, हमें चाहिए स्पीड ये फिफ्टी केबीपीएस ये फिफ्टी ये फोर्टी सिक्स है ठीक है ना तो फोर्टी सिक्स तो अभी चार केबीपीएस का हमें तो क्या करना पड़ेगा हमको बोगस मतलब बिट्स पुट करना पड़ेगा इसको बोलते हैं पल्स स्टफिंग ठीक है

स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोग नेक्स्ट uh, टाइम कर लेंगे तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में एक्चुअली करते क्या है हमारे पास जो भी सिग्नल uh, है वॉट एवर सिग्नल वी हैव जैसे मान लो हमारे पास एक सिग्नल जो है ये 50 के 50 50 किलो हर्ट्स का है तो इसको हम स्प्रेड करके हो सकता है कि हम 100 किलो हर्ट में इसको लेके जाए इसको और स्प्रेड किया जाएगा सिग्नल को ये स्प्रेडिंग करने से फायदा क्या मिलता है ये स्प्रेडिंग करने से एक फायदा ये मिलता है कि uh, अगर सपोज कोई अटैकर है वो अटैकर हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो स्प्रेडिंग से जो है ना उसको मतलब वो इंफॉर्मेशन uh, निकाल नहीं पाएगा ठीक है तो हम लोग इसको नेक्स्ट uh, टाइम में देख लेंगे कि ये जो मतलब कैसे किया जाता है ओके तो आज हमने देखो क्या टॉपिक स्टडी किए टुडे वी स्टडीड विद मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ओके हमने ए एम पी एम पूरा खत्म कर दिया और ये मल्टीप्लेक्सिंग से हमने स्टार्ट किया था तो ये मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स हैं ठीक है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एफ डी एम क्या होता है की हमारे पास जो अवेलेबल बैंडविट है उसको चैनल में डिवाइड किया जाता है तो हर चैनल को एक पार्ट मिलता है पूरे बैंडविड एक छोटा सा पार्ट मिलता है मगर हमेशा के लिए मिलता है उसे जैसे ये चैनल थ्री को है

तो हम नेक्स्ट uh, आगे हम देखेंगे कि uh, जो ऑप्टिकल्स ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ठीक है देन लास्ट uh, में हमने टीडीएम स्टडी स्टडी किए तो टीडीएम में क्या होता है पूरी की पूरी बेनिफिट अवेलेबल होती है मगर थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होती है जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है चार सेंड ये चार हमारे पास डिवाइसेस हैं तो ये डिवाइस को एक चांस मिला है भाई अभी तुम सेंड करो तो ये सेंड करेगा अपना डेटा उसके बाद फिर ये सेंड करेगा सेकेंड सेंड करेगा उसके बाद थर्ड करेगा उसके बाद फोर्थ करेगा ऐसा सबका एक एक सबका मतलब टर्न आता रहेगा अपने डेटा सेंड करता रहेगा ठीक है सो दिस इज ये तो ये टी नहीं है तो एफ है तो मैं यहाँ पे लिख दी, ये बना दिया था ठीक है तो so टी क्या है ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग ये ये डिजिटल सिग्नल्स के लिए किया जाता है ये एनालॉग के लिए नहीं किया जाता ठीक है देन हमने देखा ये uh, दो टाइप के टी डी एम टेक्निक्सोन टाइप Multiple, और एक स्टेटिस्टिकल टाइम मल्टीप्लेक्सिंग अगर किसी को नहीं भेजना है तो उसको स्लॉट दिया जाएगा और उसको किसी और को सेंड करने नहीं दिया जाएगा बट स्टेटिस्टिकल में क्या है वो वेस्टेज नहीं होगा ठीक है जिसको भेजना है वही भेज सकता है और डेटा रेट मैनेजमेंट वी थ्री टॉपिक्स मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन और पल्स स्टाफिंग ठीक है तो यहाँ पर हम देखा मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है वो दो लेवल है ठीक है एंड देन इन केस ऑफ मल्टीपल स्लॉट हमने ये 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 जो स्लॉट का और दो स्लॉट बना के भेजा क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी फाइव के बी पी एस चाहिए और हमारा जो है फिफ्टी केबी पी एस है अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमको जितना भेजना है उतने का नहीं है है ना फोर्टी सिक्स केबी पी एस है हमको पचास करना है, तो क्या होगा यू विल डू पल्सिंग टू मेक दिस केबी पी एस सिग्नल ओके स्टूडेंट्स सो देक्चर ओके मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर ओके कोई